सो हाय गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज एक जादू होने वाला है, आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ईयर। यस हाँ, ईयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस फोटो लिया है वो कुछ इस प्रकार है। आज की इस ट्रिक में मैं बताऊँगा कि मेरे पर इस ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। आपको दोबारा किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेंसिल लिया है वो लाइट पेंसिल लिया है। इसे मैं आउटलाइन बनाऊँगा। आउटलाइन को परफेक्टली बनाना है। आउटलाइन बनाने से पहले आपको फ़ोटो को ऑब्जर्व करना, उसके बाद आउटलाइन बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 2B पेंसिल से इसे शेड दे रहा हूँ। मेन चीज़ होता है ड्राइंग को बनाने में या फिर किसी स्केच को बनाने में, आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तब आप फिगर को अच्छे से बना पाएंगे। तो देख सकते हो, यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर करने के बाद यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको समझ में आ जाएगी। देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर डार्क एरियाज करना है। एंड आज की वीडियो में मैं दिखाऊँगा कैसे मेरी जब यूट्यूब को स्टार्ट किया था तब कैसी ड्राॅइंग थी और रिसेंटली कैसे बनेगी अभी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चाहे पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो को ट्यूटोरियल की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप कोई ट्यूटोरियल चाहते हैं, आज ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर नो ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ट्यूटोरियल की वीडियो देखकर अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने डार्क एरियाज को ऑफ किया है। तो आप सिंपली आपको डार्क एरियाज को ऑफ करके आपको ब्लेंड करना है। तो ये सिंपल मेथड है, आपको इसी तरीके से इसे ब्लेंड करना है। आपको सबसे पहले फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपको फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आप फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तभी आप ड्राइंग को अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक डार्क एरियाज को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर हम डार्क एरियाज को ऑफ करने के लिए 6B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो 4B का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 8B का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए हम ब्लेंड सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं, रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम थोड़े डॉट्स से देंगे। आपने जैसा कि फ़ोटो को ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ कुछ डॉट्स से हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने ड्राइंग में ऑप्ट करेंगे तब आपकी ड्राइंग एकदम फुल रियलिस्टिक बनेगी। तो आपको इन चीज़ों को अवश्य ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ड्राॅइंग्स के लिए। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम हाईलाइट के लिए टोम्बोमोनो 0 इरेजर का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं इसे होममेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ फाइनली ईयर जो है वो कम्प्लीट हो गया है। एंड आप रिसेंट फ़ोटो चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं, ये था मेरा पुराना आर्ट वर्क। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना है, ये लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो पहले में कुछ ऐसा बनता था, तो रिसेंटली आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना है। एंड ट्यूटोरियल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको तो लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आपको कमेंट करने बताना है कि ये आपको वीडियो कैसा लगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक दिन यूट्यूब पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।